Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. और इससे पहले कि मैं कमजोर पड़ जाऊं, मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए। मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम उसे कहोगे क्या? ये सोचकर तो मैं खुद भी परेशान हूं। क्या कहूं उसे, कैसे बताऊं उसे कि मैं उसे तलाक देना चाहता हूं? कैसी लग रही? आते मुझे देखकर खुश होंगे ना? अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ लिपस्टिक मुझ पर कैसी लग रही है? आते को ये कलर अच्छा लगेगा ना? तंजीला, ये कैसी बातें कर रही हो? क्यों, क्या हुआ? तुम ही तो कहते हो कि अब जब सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, तो हमें नाराजगी दूर करके अच्छे दोस्तों की तरह मिलते जुलते रहना चाहिए। इसीलिए तो कभी तुम उसे रेस्टोरेंट बुलाते हो, कभी घर पर डिनर के लिए ले आते हो, कभी मुझे मॉल में उसके साथ शॉपिंग करने के लिए छोड़ जाते हो, और फिर उसे ये भी कहते हो कि वो मुझे घर ड्रॉप कर जाए। बस इसीलिए आज मैं अच्छे से तैयार हूं, ताकि आते जब मुझे देखें तो देखते रह जाए। अच्छा, अब तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, और प्लीज गाड़ी किसी अच्छी टैक्सी सर्विस से मंगवाना। अब देखो ना, आतिर के पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अगर हम किसी आम छोटी सी टैक्सी में जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये अचानक तंजीम, मतलब है तंजीला, हम लोग क्या करने जा रहे हैं? मैंने क्या समझा था आप दोनों को, और आप दोनों क्या निकले? तंजीला, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हाँ, गलत फहमी तो थी जो तुमने दूर कर दी। क्या कहा था कल रात तुमने कि तुम्हारी मैडम का शौहर उन पर शक करता है? बहुत गुस्सा आ रहा था ना तुम्हें उस पर? अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। पहले तो बड़े बड़े दावे करते हो, और जब वक्त आता है तो सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं।
पहले आतिर ने मुझ पर शक किया और उस शक की बिना पर मुझे तलाक दी। और अब तुम भी तो यही करने जा रहे हो वैसे। नहीं तंजीला, ऐसी बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सच है कि हसद और जलन में पहले कई बार मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया, मगर अब ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे, दिल से चाहता हूं तुम्हें। तो फिर क्यों क्यों सोचा तुमने ऐसा? ऐसा क्या हो गया फैसल कि तुमने आतिर के साथ मिलकर मुझे छोड़ने का प्लान बनाया? मैंने कल रात तुम्हारी वो सारी बातें सुन ली थी जो तुम फोन पर आतिर से कर रहे थे। क्योंकि मैं जानता हूं तंजीला, तुम अब भी आतिर से मोहब्बत करती है और हमेशा करती रहोगी। और हमारे रिश्ते को लेकर चलने की कोशिश तुम सिर्फ मजबूरी में कर रही हो। उस रिश्ते की वजह से जो हमने मजबूरी में जोड़ा था, इस रिश्ते को खत्म कर देना ही बेहतर है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम वापस आतिर के पास चली जाओ। और दोबारा उससे शादी कर लो। शर्म नहीं आती तुम्हें फैसल? अपनी बीवी से ऐसी बात करते हुए, किसी नामहरम के साथ उसका रिश्ता जोड़ते हुए, इस बात का फैसला करने वाले तुम होते कौन हो? तुम दोनों ने मुझे समझ कर रखा है। मैं कोई बेजान चीज हूं? जब दिल चाहा शादी कर ली और जब दिल चाहा तीन लफ्ज बोल के अपनी जिंदगी से निकाल दिया, अलहदा कर दिया खुद से। मेरे जज्बात की कोई अहमियत नहीं है? मेरी बात समझने की कोशिश करो तंजीला, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारी बीवी हूं वैसे। मैं मानती हूं कि तुम्हें अपनाने में मैंने बहुत वक्त लगा दिया, मगर मैं क्या करती? मैं मजबूर थी अपने दिल के हाथों अपनी मोहब्बत के हाथों किसी के लिए भी अपनी पहली मोहब्बत को भुलाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। सब कुछ भुलाकर तुम्हें अपना लूं, मगर तो तंजीला ठीक कह रही है फैसल, हर गलती की हर गुनाह की अगर माफी होती है तो सजा भी होती है। हमने बगैर तंजीला से पूछे इस बात का फैसला कैसे कर लिया? कि जैसा हम सोचते हैं तंजीला भी वैसा सोचती है। मैं शर्मिंदा हूं तुमसे तंजीला, लेकिन मेरा यकीन करो, मेरा तुम्हारा दिल दुखाने का इरादा बिल्कुल नहीं था। हाँ
फैसल तंजीला को ले जाओ। किस्मत से करे या कोई गिला, जो होना था हो के रहा। हम राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना। लिख दे एहसास हुआ तुमसे है कोई रिश्ता दिल का। तुम बस सर खाना लग गया है। नहीं खाना मुझे, जाओ तुम यहां से, अकेला छोड़ दो मुझे। नहीं खाना बोला ना, नहीं खाना, अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ यहां से। नहीं जरूरत मुझे किसी की, ठीक हूं मैं अकेला, रह लूंगा मैं अकेला। तंजीला, तंजीला मेरी बात सुनो, तंजीला तंजीला दरवाजा खोलो, तंजीला तंजीला मुझे तुमसे बात करनी है, तंजीला तंजीला प्लीज दरवाजा खोलो। मुझे माफ कर दो तंजीला, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने जो कुछ किया है वो तुम्हारी भलाई के लिए किया है, तुम्हारी अच्छाई के लिए किया है। सिर्फ एक छत के नीचे रहना काफी नहीं होता, एक दूसरे का साथ उतना ही जरूरी होता है जितना जिंदा रहने के लिए सांस लेना। और मैं नहीं चाहता था कि तुम अपनी सारी जिंदगी इस गम और दुख में गुजारते, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरे साथ भी खुश रह सकती हो। अब तुम मेरी बीवी हो, मुझे आखिरी सांस तक कोशिश करनी चाहिए थी तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाने की, मोहब्बत तो शायद मैं पैदा ना कर पाता, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह हो, मेरे लिए यही काफी है। मैं अब जा रहा हूं, शाम को वापस लौटूंगा,
और मुझे पूरे यकीन है कि जब शाम में मैं घर पहुंचूंगा तो मेरे सामने मेरी तंजीला होगी, जो अब सिर्फ मेरी बीवी है, सिर्फ मेरी बीवी है। आनिया, मैं तुम्हें ये अंगूठी नहीं पहना सकता। देखो प्लीज समझने की कोशिश करो, जहां इतना इंतजार किया है वहां कुछ देर और इंतजार कर लो प्लीज। इंतजार तो मैं आपका आखिरी सांस तक करूंगी आतिर, और आपको मुझसे शादी के लिए हाँ कहनी पड़ेगी। आपको मुझसे अब शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो तंजीला भी नहीं। चाहती क्या हो, क्यों कर रही हो हमारे साथ ऐसा? तुम्हें नहीं पता हमारी तबीयत ऐसी नहीं है, इतना चिल्ला नहीं सकती, इतना गुस्सा नहीं कर सकती। तुम्हें आतिर से बात करनी है ना? मैं कराऊंगी तुम्हारी आतिर से बात। हाँ हाँ, यहाँ बैठो। मैं मिलाऊंगी फोन, वो बात करेगा तुमसे। कैसे नहीं बात करेगा? शाबाश शाबाश। तुम चाहते क्या हो? तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? तुम एक काम करो, अपने हाथों से आनिया का गला घोट दो। वो जो पल पल मर रही है ना, उससे बेहतर है कि वो एक ही दफा मर जाए। क्योंकि तुम मेरे घर आई हो, इसलिए तुम्हारा हाल पूछना मेरा फर्ज है। खैर बताओ, क्या कहना है? तुम फैसल से तलाक ले रही हो। एक मर्द के साथ टिककर नहीं रह सकती ना तुम, या यूं कहूं तुम्हें चस्का पड़ गया है हर दिन एक नए मर्द के साथ। आनिया!